फिलहाल कैमरे के ऊपर आपने पवन खोता नजर आओगे और छोटा सा भाषणी गायो सुनो, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल में कह सको हो अक भाई सेंध मार दी है और पिछली बार थोड़ी सी वोटा तो आ रहे थे जेजेपी पार्टी तरफ से, लेकिन अपन बीजेपी में रल गए हैं और पूरा कैडर देख सको हो, बीजेपी का पूरा कैडर आपने जो कैमरे के ऊपर नजर आओगा, बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो बैठा है और बारह चुनाव ये सबसे हुट सीट खरखोदा बनने लग रही है, सब मान सम्मान करने लग रहे हैं, सब मान सम्मान कर बताऊ। राम राम पवन की साहब पवन की साहब पवन अपना बाघ उड़ा है रे अरे कति कौन जब आ जाएंगे हाँ कति चलो फिलहाल पवन जी फिलहाल फोन तो मत करो तो उन्होंने कह दी बुढ़े हो गया पर लखन दे उठा दे अरे एक बार चुकर दे कैमरा घुमा दे भाई चारों तरफ कैमरा घुमा दे हजारों लोग पहुंचे हैं पवन खरखोदा का समर्थन करन हजारों लोग पहुंचे जी भाई भाई राम 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 जी राम क्या सलाह है बोले जाओ जी सलाह जी सलाह लोगों की सलाह बता दो सलाह लोगों की और लोगों ने एक आपकी सलाह बता लोगों की तो दिखा ही हजारों मानस आ रहे देख अब प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं आपका प्रोग्राम नोट करवाने चले गए मैं बैठा था बीच में बैठा था मैंने बोले बिला देखिए 1500 वोटा आ रहा था ना तो ये कम तक 15000 तो जिताए पड़े हैं ई बाल में जीत रहा पवन खरखोदा बिना मेहनत के क्या मामला देखिए ये लोगों का प्यार है जोश है जुनून है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो मान सम्मान कर कमा रखा है जो हमारे परिवार ने जो लोगों के बीच में सेवा भाव से कार्य किया है और हमारी 7 पीढ़ी हमारे हल्के में झुककर चलने का काम किया और हमारी 8वीं पीढ़ी की मैं गारंटी लेता हूं अपने बच्चों की कि वो भी झुककर हमारे खरखोदा हल्के के लिए 58 के 58 गांव के लिए समर्पित भाव से काम करेगी। भाई साहब पिछली बार 1500 वोट 1400 के में वोट थी 98 थी 1500 मान लिया 1500 वोट तो हार गए जी तो बड़ा दुखिया होगा 5-5-7-7 वोट सारे पुला पे पड़ जाती 196 पोल पे जो पोलिंग बूथ है उन पर पड़ जाती तब 5-5-7-7 की कसर रहेगी जीत जाते दुख तो बड़ा आया होगा उस दुख नहीं पेन क्योंकि मैं टंगी पेन की तैयारी करो हालांकि तैयारी पिछली बार था कई गुना ऊपर क्योंकि फिलहाल बीजेपी का कैडर भी आपकी गेले है बीजेपी भी आपकी गेले है आपकी जितनी वोटें थी वो पर्सनल वोट थी तो फिलहाल तैयारी की सी चल रही है। देखिए जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बना हूं तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है संगठन के प्रति समर्पित हैं और जीत का एक ही मूल मंत्र होता है जब 36 बिरादरी के लोग संगठन के लोग जब मिलकर चुनाव लड़ते ना उसके सामने किसी के टिकने की हिम्मत और औकात नहीं होती और आज मैं विपक्षियों को यही कहना चाहूँगा कि भाई हाथ कंगन को अरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया जब लोगों ने सारा दे दिया आपके सामने भूपेंद्र हुड्डा सीएम चेहरा कांग्रेस के हालांकि वो अटपटकाल होगी थी भलाई भी करी थी आपने देखी भी होगी वो अटपट भी होगी थी लेकिन आपने उनकी ससुराल के अंदर सेंध मार दी है उनका सबसे मजबूत जगह माननी जाओ थी लेकिन उसके भीतर भी आपने सेंध मार दी और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा पिछली बार जितनी वोट आई थी वो सर आपकी पर्सनल वोट बताई जा रही है क्योंकि आपसे मैं बाद में बात करूँ लगभग एक घंटे तक मैं बड़े बुजुर्ग बात करने लग रहा हूँ उस आपने ससुराल में सेंध मार दी आपकी पर्सनल वोट कई हजार है यहाँ। देखिए ये पर्सनल वोट मेरी नहीं है मेरे एक बड़े बुजुर्ग की है मेरे नौजवान साथी की है मेरे मातृशक्ति की है कि मैंने जब भी संघर्ष किया है उस संघर्ष में इन्होंने मेरा उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर साथ दिया है और इनके संघर्ष के दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे कि आज तक इतनी बड़ी भारी मात्रा से कोई जीत कर नहीं गया जितना आपका भाई आपका बेटा कमल के निशान पर यहाँ से जीतेगा। क्या उम्मीद है पिछली बार क्या वोट आई थी पिछली बार हमारी 37,000 प्लस वोटें थी और अब की बार ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 70-80,000 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी की बाकी 20 में सबकी लड़ाई है कि वो दूसरे पे रहेंगे तीसरे पे रहेंगे क्या चौथे पे रहेंगे। पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी ने कैंडिडेट टोना पड़ा था लेकिन इस बार साफ चेहरा था पवन खरखोदा है और आपकी गेल कैडर पर छुट्टी कटाई आज कैडर आपके लिए खड़ा है और कैडर लगातार घूमने लग रहा था पूर्व मंत्री आ रहे हैं यूपी तक के व्यक्ति आ रहे हैं वो भी पूरी सलाह देने लग रहे हैं मैं सुनो था बैठ के कितना चुनाव लगा कि इस चीज तो मजबूत होगा और लोगों का समर्थन है आप दोनों। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का
संगठन इतना मजबूत है, और कोई भी संगठन है या परिवार है वो पांच चीजों से मिलकर बनता है, काम, कलम, कशिश, कर्तव्य और कर्मठता। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस परिवार का, उस संगठन का हिस्सा हूँ जिस परिवार में ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों में इतना उत्साह और जुनून है कि अपने हल्के को बचाने का, अपने हल्के को आगे बढ़ाने का, अपने भाई अपने बेटे का हिम्मत और हौसला बढ़ने का। अफवाह फैल रही है कि जाट जो है की गेल कोना, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सभी साथ हैं, मेरा ये सवाल मैंने क्यों पूछा बाबूजी, मैं बताऊंगा। सुनो, मेरा नरेंद्र दी एडवोकेट नाम सुनो, और मैं मास्टर महेंद्र सिंह दी जो यहाँ से एमएलए था उनका भतीजा हूँ। हाँ, और वो एक इलेक्शन जीते, दूसरे में मात्र 38 वोटों से हारे थे। अर्पण कर को था पूरी जाट बेल्ट पवन के भाई के साथ है सैदपुर से। हाँ, ये सारे जाट। बताया सर, मेरा नाम सतवीर है, सिसाने से जाट है जी, जाट है प्योर। अर्पण को तेरे तेज जी, मेरा नाम राजेश है, प्लस दो गामा ब्लॉक समिति मेंबर है जी मेरा नाम। भैया पर राकेश भाई पूरा देख लो, ये जवाब है, मैं सिर्फ जवाब लेना चाहूंगा कि वो जवाब है कहीं ना कहीं पवन भाई एससी सीट है और 36 बिरादरी ना आप गेला ले रहे हो। मैं बात करूं था, मैं भाई जुकर मतलब किन तुमने बनाया दिया, आगे भी तो सोचोगे 2029 में क्या करोगे। बोले बेटे जर्नल हो चाहे कुछ हो, पवन 36 बिरादरी का है, किसे एक नूनियासी समाज का है, किसे भी समाज का नहीं, पवन पवन सबका है। किसी के जादू करके, इसी के खासियत आपने कर रखी है, क्योंकि ये बुढ़े जो है ना, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो खड़े हैं, ये साथ भी टिकाट के देखा करो, किसा पूरा पत्रा काट के देखा। जो आपको ना पत्रा कटवागा, मैंने 11-26 का टाइम लिया है पंडित जी, ये बड़े बुजुर्ग जो संस्कार है उसका पत्रा काट दिया करो, वो पत्रे के बारे में क्या कहूं। देखिए, जब 1975 का दौर था, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो हमारे यहाँ पे एक एमरजेंसी लागू हुई थी, पीपली कांड के नाम से लोग उसको जानते हैं, तो वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। और मेरे दादाजी ने 36 बिरादरी के लिए ये नहीं सोचा कि ये इस जात से है, क्योंकि हमारे परिवार ने जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की है। तो 36 बिरादरी के लोगों के लिए जो भी भोजन प्रसाद, बिस्किट, मूंगफली, रोटी, जो भी सब्जी जो अवेलेबल हो सकती थी उस समय पे वो किया। और मेरे ख्याल से 80 साल से यहाँ हर बिरादरी के लिए हुक्के रख रखे हैं, तो हमारे परिवार में सामाजिक सेवा पीढ़ियों से है, और 36 बिरादरी का समर्थन इसलिए। और मैं ये गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ यहाँ हमारे दैया खाप का है, गढ़ हमारे यहाँ सरवा खाप का है, गढ़ यहाँ हमारा गहलावत खाप का है, गढ़ हमारे यहाँ राणा खाप का है, गढ़ यहाँ हमारा SCBC का है, हमारे ब्राह्मणों का है, हमारे 36 बिरादरी के लोगों का गढ़ है ये जी। मेरा आखिरी सवाल, कौन से काम इसे जॉब करो। देखो, मैं फिलहाल के विधायक की वाल्मीकि जी की बातें को नहीं करता, क्यों जखर को देखे भीतर का लिखना पड़ जा तो सिर कटे है। हालांकि मेरा भी पैतृक हल्का है, लेकिन अड़खर को दिमाग जी नहीं करता। आप भी से कौन से काम करा दोगे, जो आप लोगों को बोले ना पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, और क्या ना क्या कर दूंगा, वे कौन से काम जो प्राथमिक रूप से कर दोगे, और क्या करे है चेयरमैन भी आप रहे हो सरकार में। देखिए, चेयरमैन में रिपोर्ट कार्ड बेसिकली आपका। जी जी, देखिए आप मेरे कार्यालय से पता कर लीजिए, पवन खरखोदारे को जो तनख्वाह मिलती थी ना, उस तनख्वाह को भी हल्के में लगाने का काम किया। किसी गरीब बेटी की शादी थी, किसी मंदिर में जाना है, किसी गरीब परिवार की मदद करनी है, पवन खरखोदा उसमें से एक रुपया नहीं लेके गया। और बात काम करवाने की है, मेरी कलम में तो इतनी शाही भी नहीं थी, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का खरखोदा लेके आया, और आने वाले 5 साल SSID के आप वो चेयरमैन भी थे, SSIDC का डिपार्टमेंट हमारे पास था, हम सरकार में हिस्सा थे, तो SSIDC के डिपार्टमेंट की मार्फत ही हम खरखोदा में ये मारुति का प्लांट लेके आए, और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम खरखोदा की धरती से होने जा रहा है। और गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में जो आपने पेरिस का जिक्र किया, खरखोदा गुड़गांव को पीछे छोड़ने का काम करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय देने खातिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो पूछना चाहूंगा, टिकट मिलते बाबू जी, तुम भी बड़े बुजुर्ग खड़े, टिकट मिलती है धोली पैंट बुशर्ट का, धोला कुर्ता पजामा पहन का, तो वो नॉर्मल जो अपने नॉर्मल रह करे ना आम आदमी, उसकी तरी अपने नॉर्मल लत्ते पैर के नॉर्मल निकट रहे, वो शौकड़ा गांव नेता हरियाणा, ये 36 गांव 36 बरादरी का बेटा है, इसको नेता वाले ने कपड़े नहीं चाहिए, ये तो सबके बीच में रहना चाहता है। देखिए, क्योंकि ओजे आ गए बम, अगर टिकट मिल गई जीता रहा, लेकिन नेता जी बन गए। नाना जी नेता नहीं है भाई, है सबका। मेरे दादाजी 40 साल पार्षद, चेयरमैन, सरपंच, पंच रहे, फिर मेरी ताई को चेयरमैन बनाया, आज मेरे फादर सबसे ज्यादा उम्र के पार्षद हैं, 60 साल से बनते आ रहे हैं। एक भी कह दो कि ये इन्होंने नेता के कोई गुण है, हमारे को तो भाईचारे के गुण है, भाव के गुण, और लोगों से जुड़ के चलने के गुण है। धन्यवाद भाई साहब, फिलहाल मैं रिपोर्ट कार्ड भी लोग आते भी ले लो। हाँ बिल्कुल जी, बाबू जी राम राम। राम राम भाई जी। पवन जी के बारे में क्या कहोगे, किसे व्यक्ति सच्चाई? पवन जी के बारे में
मोटी मोटी बात तो पवन जी ने बता दी, बाकी थोड़ी थोड़ी बता दो। ये इतना सामाजिक परिवार है, यहाँ पीछे इनकी बैठक है, पुरानी खेत का ट्यूबवेल है, वहाँ जाटू होका, ब्राह्मणा का होका, एससी का होका, सब के अलग अलग होके पीने का पानी सब कुछ रहा करता। और रही बात जो आपने हुड्डा साहब वाली जिक्र चलाई, हुड्डा साहब ने 30-70 के साथ बेईमानर धोखा कर रखा है, इस हिसाब तक कर रखा है। हमारे हल्के के एससी एसटी मर गए, क्या एक भी योग्य आदमी नहीं है हमारे हल्के में? कथूरे के हैं वाल्मीकि, बाहरी इलाका थोड़ा के भी नहीं है, बॉम्बे से हैं, ये बॉम्बे से हैं, बॉम्बे के हैं, ये बॉम्बे में ही इनका काम धंधा है। और ये हमारे सोनीपत खरखोदा जो विधानसभा क्षेत्र है, इस माह के बार बार है ना हुड्डा साहब ये कहते रहे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। अरे मैं बैठा हूँ तो 15 साल हो गए, नहीं तो बता दे मैंने काम क्या कर दिया और किसके मरने जीने पे गए हुए आज तक 15 साल में? किसे कहा आ जाओ सब सब कम से कम 200 बार जा लिया भैया पर गाँव हमेरा। अच्छा। जवान छोरे मरे 3 सड़क पे, इतना बड़ा हादसा होया। 15 दिन पहले रोडवेज का छोरा मरिया, उस दिन उड़ा शमशान घाट पछे दे आ गया, 13 दिन में कदे उड़ा गोडा नवाण भी ना गया, रोड में गया जागा। हाँ पवन गया जी भाई, ऐसा है हमने आपकी बार जयवीर को हराना है, पक्का हराना है, कोई काम करने का नहीं है। पवन तो बहुत बढ़िया, जब भी देखे साथ लग रहे हैं ना, पवन के साथ जब भी दे लग रहे हैं ना, हरी को भगाना है, अंदर बैठा रहा है। कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलता, कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी ना मिलता, अंदर बैठा रहा है। साहब चंडीगढ़ जा रहा है, साहब ना चंडीगढ़ जा रहा है, और अंदर बैठा रहा है, गांव गए लेके घर अपना रहा है, जनता से हल्के से कोई बिचौलिया का काम हो रहा है जी। बाबूजी थोड़े शब्द हम कहते हैं, पवन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, सिंसियर है, गांव शलाना है मेरा, और मैं मास्टर महेंद्र सिंह देव यहाँ से एमएलए 2 बार रहे, उनका भतीजा हूं, बहुत ही जेंटल। भाई मैं हूँ संगठन का आदमी, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, शक्ति प्रमुख आड़ेगा हूँ, 3 बूथ मेरे अंदर। सुनो पहली तो बात ये है, पवन का बेस बता दो, कांग्रेस में एक आदमी है जिसने पूरा हरियाणा नुका है, पूरा हरियाणा अकबी सा छोरा कोना तुम्हारा पवन खरखोदा भी सा छोरा, लत्ते पकड़ के खेच लियो, काम करवा लियो, हाथ पकड़ के, इतना सादा छोरा है। सादगी तो दिखे गई जी बाबूजी। हाँ जी भाई जी, सतीश अरोड़ा से वरिष्ठ भाजपा नेता खरखोदा सोनीपत इमरजेंसी ये लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्याशी होता था ना वो बाहरी प्रत्याशी होता था, आज खरखोदे की जनता हाँ यू अपना आ गया, लोगों में इतनी तबाह है कि तुम मतलब खुशी है इसको, और टिकट भगवान ने जनता ने टिकट दिलवाया है इसको, और भगवान हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से ये जीतेगा पवन खरखोदा, और खरखोदे शहर में था पूछो मत। फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट करके बता दियो, काफी लंबी वीडियो हो गई, आपका क्या कहना है? फिलहाल देख लो भीड़ जो लगातार लग रही है, लोग प्रोग्राम लेने लग रहे हैं लगातार। राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद।